देखिए इस टाइप की संख्या के अगर भाग आपको देखने को मिलते हैं तो कैसे करने हैं फास्ट। देखिए 945 है, इसके अंदर जैसे 10 का भाग देना है तो आपको साधारण जो भाग अपन देते हैं वैसे ना देके इसको सिंपल सा तरीका अपनाना है। नीचे जितने शून्य होते हैं उतनी डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लगाना है। देखिए नीचे कितने जीरो है, एक जीरो है, तो आपको एक संख्या बाद में पॉइंट लगाना है। कैसे देखिए यहाँ पे ये 5 लिखूँगा, ये जो संख्या है पूरी की पूरी लिखना है 9, 4 और 5 लिख दिया। आपको नीचे शून्य देखना, कितने शून्य है, एक, तो आपको एक डिजिट बाद में यहाँ पॉइंट लगाना है। यानी राइट हैंड साइड से हमेशा आपको डिजिट गिनना है और डिजिट जितने शून्य है उतनी डिजिट बाद में पॉइंट लगा दो। एक और करते हैं, देखिए 6103 लिख लो एक बार, 6103। अब आपके पॉइंट कहाँ लगेगा, देखिए 1, 2 और 3, नीचे शून्य कितने हैं 3, तो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो इधर से गिन के 1, 2 और 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो ये आपके भाग देने का तरीका है। चलिए और देखते हैं, मान लो ऐसी स्थिति आ गई जैसे ऊपर संख्या है वो डिजिट है वो कम है, जैसे देखिए यहाँ पे 3 है और नीचे शून्य है वो 2 है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए डिजिट ऊपर 1 ही है और नीचे शून्य है वो 3 है, 1, 2, 3। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखिए मैंने 3 लिख दिया और मुझे कितनी संख्या बाद में पॉइंट लगाना है, 2 संख्या बाद में, यानी 2 डिजिट के बाद में, 1 और 2 शून्य है तो 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है। तो एक संख्या तो मुझे मिल गई, दूसरी संख्या मैं क्या करूँगा, 0 करूँगा, यानी 0 लगा के फिर पॉइंट लगाना और फिर आगे और 0 लगाना, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.03। 2 संख्या बाद में पॉइंट आ गया, यानी देखिए 1 और 2, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट आ गया, या नीचे शून्य थे 2 इसलिए 2 संख्या बाद में पॉइंट। इसी प्रकार यहाँ देखिए मुझे 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना, 1, 2 और 3, नीचे 3 शून्य है तो यहाँ 1 लिखूँगा, ऊपर जो भी संख्या है, यहाँ 1 लिया मैंने, 2, 3 यानी कोई भी संख्या आ सकती है, तो मैंने 1 लिख लिया। अब मुझे कितनी संख्या बाद में पॉइंट लगाना, 1, 2, 3, तो 1 तो आ गया, 2 शून्य लगाने पड़ेंगे, 1 और 2। अब आपके देखिए 3 संख्या बन गई, 1, 2 और 3, 3 डिजिट हो गए, अब पॉइंट लगा दो और आगे शून्य। ठीक है, तो ये तरीका है पॉइंट लगाने का, यानी जब भी नीचे 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप की संख्या का भाग देना है तो सीधा आपको पॉइंट लगाना है।